कुछ चीजें ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाती है और इन पर यकीन कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हिल्मा आज बहुत खुश है क्योंकि आज से उसके स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। हिल्मा ने अपनी नानी के घर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। हिल्मा काफी वक्त के बाद अपनी नानी के घर जा रही है और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। हिल्मा के नानी और नाना एक छोटे से गांव दहशतपुर में रहते थे। दहशतपुर गाँव के बारे में बहुत अजीब बातें कही जाती थी। गांव में एक काली हवेली थी। लोग इस हवेली को शापित मानते थे। कहा जाता है बहुत साल पहले काली हवेली में एक तांत्रिक रहता था। वो अपने तंत्र मंत्र और काली शक्तियों से आत्माओं को बुलाता था, लेकिन एक दिन अचानक वो तांत्रिक कहीं गायब हो गया और फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। लोग मानते हैं आज भी उस तांत्रिक की आत्मा काली हवेली में घूमती है। हिल्मा इन सभी बातों से अनजान थी। दहशतपुर पहुंचकर वो अपने नाना नानी से मिली। नाना नानी हिल्मा से मिलकर बहुत खुश हुए। सुबह होते ही हिल्मा गांव में खेलने निकल गई। हिल्मा दिन भर गांव के बच्चों के साथ खेलती रही। वो सभी बच्चे हिल्मा के अच्छे दोस्त बन गए। खेलते खेलते हिल्मा उस काली हवेली के पास पहुंच गई। अनजान खतरे से बेखबर हिल्मा हवेली को देखकर रुक गई और गौर से उस हवेली की तरफ देखने लगी। अचानक हिल्मा को पीछे से किसी ने आवाज दी। हिल्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो हिल्मा की नानी उसे बुला रही थी। हिल्मा जल्दी से नानी के पास आ गई। घर पहुंचकर नानी ने हिल्मा को हवेली के बारे में सब कुछ बताया और हवेली की तरफ जाने से मना किया। नानी की बातें सुनकर हिल्मा रात भर काली हवेली के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते ही हिल्मा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही हिल्मा के दोस्त हिल्मा के साथ खेलने के लिए आ गए। हिल्मा दोस्तों के साथ खेलने निकल गई। खेलते खेलते हिल्मा घर से काफी दूर पहुँच गयी। जैसे जैसे दिन ढलता गया हिल्मा के सारे दोस्त एक एक करके अपने घर चले गए। अंधेरा होने लगा। अकेली हिल्मा वापस घर की तरफ आने लगी। रास्ते में हिल्मा को उस हवेली की कहानियाँ याद आने लगी। हिल्मा तेज कदमों से चलकर घर पहुँच गई। घर पहुँचकर हिल्मा ने सबके साथ मिलकर खाना खाया और नानी के पास आकर लेट गई। नानी ने हिल्मा को अच्छी अच्छी परियों की कहानियाँ सुनाई, लेकिन काली हवेली की कहानी बार बार हिल्मा के जेहन में घूम रही थी। आधी रात हो चुकी थी। सभी लोग सो चुके थे, लेकिन हिल्मा जाग रही थी। हवेली की सच्चाई जानने के लिए हिल्मा ने काली हवेली में जाने का फैसला किया। जंगल के सुनसान रास्ते से हिल्मा हवेली तक पहुंच गई। हिल्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत हिम्मत करके हिल्मा ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही चमगादड़ों का झुंड बाहर निकला। हिल्मा चौंक गई, लेकिन आगे बढ़ी। अंदर पहुंचकर हिल्मा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो बहुत डरावनी थी। हिल्मा आगे बढ़ती रही। इसी बीच हिल्मा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई हिल्मा का पीछा कर रहा था। हिल्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हिल्मा फिर आगे चलने लगी। अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। भयानक चीख ने हिल्मा के रोंगटे खड़े कर दिए। हिल्मा वहीं रुक गई। अब हिल्मा को एहसास हुआ कि उसे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। चीखने की आवाज तहखाने की तरफ से आ रही थी। हिल्मा ने हिम्मत नहीं हारी और तहखाने में जाने का फैसला किया। हिल्मा धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी। तहखाने में कुछ हलचल हो रही थी। हिल्मा दबे कदमों से तहखाने तक पहुंच गई और तहखाने में देखने लगी। वहां का मंजर देखकर हिल्मा के होश उड़ गए।
तहखाने में कुछ आदमी थे जो गांव वालों को बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे थे और पास के गांव में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। उनके पास बहुत सारा सोना चांदी रुपए और एक टेप रिकॉर्डर था। हिलमा को समझने में देर ना लगी कि चोर अब तक लोगों के डर का फायदा उठा रहे थे और ये हवेली भूतिया हवेली नहीं बल्कि चोरों का अड्डा है। हिलमा बिना देर किए हवेली से बाहर निकली और घर की तरफ आने लगी। रास्ते में हिलमा को उसके मम्मी पापा मिले जो हिलमा को ढूंढ रहे थे। हिलमा ने उन्हें काली हवेली की सारी सच्चाई बताई। हिलमा के पापा ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और चोरों को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने हिलमा की बहादुरी की बहुत तारीफ की। गांव के लोग भी छोटी हिलमा की हिम्मत को देखकर दंग रह गए और बहुत खुश हुए। हिलमा की मम्मी ने हिलमा को इस तरह अकेले कहीं भी जाने से मना किया। हिलमा ने मम्मी की बात मानते हुए उन्हें भरोसा दिलाया। दहशतपुर गांव में अब किसी तरह की कोई दहशत नहीं थी, लेकिन लोग आज भी काली हवेली के पास जाने से कतराते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।